तो भैया आए तो थे हम लोग बेतिया एयरपोर्ट घूमने, लेकिन यहाँ से कोई फ्लाइट वगैरह नहीं उड़ती। तो नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि आप सबसे पहले ड्रोन शॉट्स देखें, तब आपको फील आएगा कि हाँ भाई ये क्या है, ये मतलब है क्या। तो भैया नज़ारे ऐसे हैं कि मैं आया हूँ बेतिया एयरपोर्ट पे। हालांकि यहाँ पे कोई फ्लाइट्स तो यहाँ से नहीं जाती, लेकिन हाँ मेरा भी मन था यहाँ पे आए और यहाँ का ब्लॉग बनाए, बिकॉज मतलब इधर से मैं बहुत बार गया हूँ, ये जो हाईवे जाता है अरेराज की तरफ, तो इधर से मैं गुजरा हूँ, बट कभी यहाँ पे आया नहीं था। पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है। अगर फ़्लाइट की बात करें तो यहाँ से फ़्लाइट नहीं होता है और उतना स्पेस भी नहीं है कि यहाँ से अगर कोई फ़्लाइट यहाँ से या फिर टेक ऑफ करवाया जाए या फिर लैंड करवाया जाए, तो इतना जगह नहीं है यहाँ पर फिर भी। लेकिन इसकी हालत बहुत ही ख़राब है भाई, बहुत ही ख़राब, बिकॉज़ इसका जो मेंटेनेंस है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, बहुत ही मतलब क्या ही बताएं। प्लेस काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है, यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम आया है, फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मैं ड्रोन से दिखाऊंगा इसका टॉप व्यू, जो कि बर्ड आई व्यू होता है। तो अपना छोटा चिंतन ऊपर जाएगा और दिखाएगा आपको, तो देखिए और मिलते हैं फिर। मैं यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ, आ सकते हैं आप मिलने, मैं यहीं पर हूँ, तो देखिए मज़े ही लीजिए। तो भैया छोटा चेतन रेडी हो चुका है, तो लेट्स गो फ्लाई इसको करते हैं और दिखाते हैं आपको टॉप व्यू, ठीक है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर ब्लॉग पसंद आया है तो बरसाइए प्यार, कुछ और मत बरसाइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो काफ़ी बेस्ट प्लेस है, अगर आप आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं भाई, बर्थडे पार्टी के लिए तो बेस्ट प्लेस है। जब 10-12 लौंडे इकट्ठा होते हैं और केक मर्डर होता है, केक का मर्डर होता है, तो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन। तो मौज कर सकते हैं आप भाई यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे कोई फ्लाइट वगैरह नहीं उड़ता, लेकिन यहाँ पे 2 हेलीपैड हैं जहाँ पे आप अपना पर्सनल जेट या फिर आप पर्सनल हेलीकॉप्टर रखे हैं तो भी आप ला सकते हैं, ये आप पे है, तो देखते हैं क्या होता है।